लोगों की सवारी कहीं जगह तो निकली है बड़ी तामझाम के साथ, तो कहाँ जा रहे हैं ये बुजुर्ग? हम लोग अनन्या दी का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उनको चेयर अप करने जा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि उनके जो हस्बैंड हैं वो यहाँ पे नहीं है उनके साथ उनके बर्थडे पे, और वो बहुत सैड हैं, वो बहुत अपसेट हैं कि उन्हें उनके बर्थडे पे उनके हस्बैंड ही उनके साथ नहीं है, तो इसीलिए ये बात मुझे कार्तिक बताते हैं फ़ोन करके। तो ये आइडिया किसका है? आइडिया कार्तिक का ही है और कार्तिक को एंड में क्रेडिट भी दे देती शायद, बट वेरी वेरी क्यूट सीन इन बिटवीन वे वी आर एक्चुअली टॉसिंग द कॉइन, जो हम लोग जय और वीरू की जोड़ी हो गई है, अब हम एक दूसरे को जय और वीरू बुलाते हैं, तो आज से आई थिंक अभी से हमारे सारे एपिसोड में हम कॉइन टॉस करके ही फैसले लेंगे, और जो पहला कॉइन टॉस है वो मैं जीत जाती हूँ। एक्चुअली कार्तिक एक बहुत ही कार्तिक बोलते हैं कि मैं बोलती ठीक है हम टॉस पहले बोलते पंजा लड़ाओ, तो फिर मैं बोलती छोड़ इनसे क्या पंजा लड़ाना, इनको हराते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, तो फिर हम फाइनली डिसाइड करते हैं कि हम टॉस करके डिसाइड करेंगे कि जीप कौन चलाने वाला है, तो कार्तिक बोलते हैं अगर हेड्स आया हेड्स आई विन टेल्स हेड्स आया तो मैं जीती और टेल्स आया तो ये हारे। अगर ये जीतते तो भी अगर हेड ज्यादा तो भी मैं ही जीती और टेल ज्यादा तो भी मैं ही जीती, तो मैं जीती। तो फाइनली जो नायरा जी है वो ही हमें ड्राइव करके ले जाएंगे और हम सारे पीछे बैठेंगे एंड वहाँ से पिकनिक शुरू होगी। जो पहला लुक गया है हमारा क्या हुआ है नायरा, आपको कैसा महसूस हुआ, क्या हुआ आपके साथ कॉइन टॉस के बाद, क्या हुआ? कुछ नहीं, मतलब नायरा को पहली बार कार्तिक के लिए कुछ फील होता है, सो यही हुआ। Why? Because she remembers Jeep or Rishikesh, ऐसा कुछ। तो नायरा ये जो कुछ फील हुआ है तो कह सकते हैं कि ये शुरुआत हो चुकी है, पता नहीं मे बी। एक्चुअली क्या होता है कि ऋषिकेश में भी हम जीप में घूमते हैं, ओपन जीप में हमारा होता है जहाँ पे शी ट्राइज टू सुसाइड वंस एंड कार्तिक उसे रोकते हैं, और वो ओपन जीप का बहुत अच्छा सीक्वेंस था हमारा, जहाँ एक बार लिफ्ट जीप के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है हमारा। हाँ, तो ये रिश्ता जीप से ही आगे बढ़ेगा। तो जीप देखकर नायरा को वो सारे फ्लैशबैक्स याद आते हैं एंड द फर्स्ट टाइम दैट शी एक्चुअली स्टार्ट्स फीलिंग समथिंग फॉर कार्तिक। तो कार्तिक लास्टली मतलब आपको भी ख्वाबों में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, कह सकते हैं कि अब हकीकत में शायद आई थिंक आई विल टेल यू व्हाट एक और ड्रीम आने वाला है, देयर इज गोना टू बी वन मोर ड्रीम आई एम श्योर, एंड आई मुझे खुद को नहीं पता कि क्या है, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड लेट्स सी क्या ड्रीम आता है, हम अच्छे से करेंगे। थैंक यू so much.